डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या को मंगलवार को 11 साल पूर्ण हुए हैं। दाभोलकर के स्मृति दिन पर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से निर्भय मॉर्निंग वॉक का आयोजन किया गया था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या को मंगलवार को 11 साल पूर्ण हुए हैं। दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर समिति की ओर से आज भी इस मामले के मुख्य सूत्रधार को सामने लाने की मांग की जा रही है। इसी के निषेध में आज भी समिति की ओर से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के स्मृति दिन पर निर्भय मॉर्निंग वॉक का आयोजन किया जाता है। तर आम्ही आज दरवर्षी प्रमाणे आज नरेंद्र दाभोलकरांना गोळे घालून 13-11 वर्ष झालीत आणि 11व्या वर्षी सुद्धा आम्ही कुठल्याही पद्धतीने हिंसक कृती न करता आम्ही विवेकाने सर्व लोक एकत्र येतो आणि जी आमची मागणी आहे की आत्ता जी मागणी होती की ज्यांनी मारेकरांना पकडा आता मारेकरांना पकडलं गेलेलं आहे पण मुख्य सूत्रधार अजूनपर्यंत पकडलं गेलेलं नाही आहे। जेव्हापर्यंत मुख्य सूत्रधार पकडला जात नाही तोपर्यंत आमचा हा विवेकाचा लढा सतत चालू राहील आणि दरवर्षी आम्ही याच ठिकाणी याच वेळेला नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने इथं एकत्र होऊन डॉक्टरांचा जो खून केला आहे त्याच्या याच पद्धतीने दरवर्षी निषेध नोंदवत राहू। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।